मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 7 चार पहिया वाहन एवं 21 वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस ने सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग NCR व अन्य स्थानों से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कोसी कला पुलिस ने सूचना के आधार पर इस अंतरराज्यीय गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 7 चार पहिया वाहन एवं 21 वाहनों के पार्ट्स को बरामद किया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए ये जनपद मथुरा के थाना कोसी क्षेत्र में सूचनाएं मिल रही थी कि एक अंतरराज्यीय गैंग है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। NCR क्षेत्र से चार पहिया गाड़ियाँ चुराता है और यहाँ पर शोओं के माध्यम से उसको कटवाया जाता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर कोसी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अंतरराज्यीय गैंग के 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से 5 चार पहिया गाड़ियां जो कि चोरी की थी और कटवाने के लिए लाई गई थी वो बरामद हुई हैं। 2 अधिकृत गाड़ियां बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ 21 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, रेडिएटर या जो अन्य पार्ट्स हैं, वो बरामद हुए हैं। इस गैंग का जो सरगना है वो उसका नाम मनीष है, जिसका कि बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर दिल्ली से कुल 41 मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ 7 मेंबर्स और अरेस्ट हुए हैं। इनके यहाँ पर जो सामान इस्तेमाल होता है गाड़ियों को काटने में वो भी बरामद हुआ है। ऐसे और भी गिरोह के बारे में कोई सूचना इनसे प्राप्त हुई, इसके आगे चल के कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये बेसिकली गाड़ियाँ जो चोरी करते हैं वो NCR क्षेत्र से करते हैं, फिर गाड़ियों को कटवाने के बाद जैसी जैसी डिमांड होती है, वो मथुरा में भी हो सकती है, आसपास के जनपदों में और दिल्ली में भी हो सकती है, तो उसको सस्ते दामों पर ब्लैक मार्केट में उसको बेचते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।